मैं कारगस चैनल के पहली वर्षगांठ के अवसर पर जो एग्री कॉन्क्लेव है उसमें भाग लेने के लिए आया हूं। उड़ीसा देश का महत्वपूर्ण प्रांत है, कृषि की दृष्टि से भी उड़ीसा का महत्वपूर्ण स्थान है, माइंस के क्षेत्र में भी उड़ीसा बहुत अग्रणी है और इसलिए एग्री कॉन्क्लेव हो तो मुझे जाना ही चाहिए और इसलिए मैं आया हूँ। कल एग्री स्टार्टअप्स और बाकी जो फार्मर्स होंगे उन सब से बात करने का अवसर मिलेगा, ये मेरे लिए सुखद मौका है। सर जी, उड़ीसा खेती के लिए जाना जाता है लेकिन अभी तक इतना डेवलप नहीं किया गया कि उड़ीसा दूसरे राज्यों पर निर्भर करता है, तो उड़ीसा के लिए आपका कोई स्पेशल योजना हो रहा है? ऐसा नहीं है, सामान्य तौर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में समूचा देश समग्र दिशाओं में आगे बढ़ रहा है। कृषि के क्षेत्र में भी बहुत अभूतपूर्व उपाय इन 8 वर्षों में मोदी जी के नेतृत्व में किए गए हैं। किसानों को पीएम किसान के माध्यम से आय सहायता दी जा रही है, फसल बीमा का सुरक्षा कवच दिया जा रहा है, किसान अपनी फसल को मुनाफे में ला पाए इसके लिए उसे अच्छा बीज मिले, उसकी उत्पादकता बढ़े, उसको सूक्ष्म सिंचाई के लिए सहायता मिले, इस दृष्टि से भी उपाय किए जा रहे हैं। और आप सब ने अनुभव किया होगा कि पिछले कोविड कालखंड में प्रतिकूल परिस्थितियां होते हुए भी कृषि का क्षेत्र लगातार वृद्धि बनाए रखा और इस वृद्धि में उड़ीसा का भी योगदान है। सर, अगर देखा जाए तो विरोधी केंद्र सरकार के ऊपर टारगेट करते हैं महंगाई को लेके, केंद्र सरकार का क्या प्लानिंग क्या है अभी महंगाई को कम करने के लिए? अगर देखा जाए देश भर से विरोधी के नाराबाजी कर रहे हैं केंद्र सरकार के विरोध। देखिए, विरोधियों के पास तो अब कुछ बचा नहीं, सामान्य तौर पर विरोधियों को भी राजनीति करते समय धरातल पर झांकना चाहिए। महंगाई बढ़ती है तो केंद्र सरकार उसका संज्ञान लेती है, समय समय पर महंगाई कम करने के लिए उपाय किए जाते हैं और इस समय भी सरकार पूरी तरह इस मामले में जागृत है और लोगों को कठिनाई ना हो इस मामले में उपाय कर रही है। सर, खेती के नुकसान में बहुत सारा फार्मर यहाँ पे मर रहे हैं उड़ीसा में, लेकिन उड़ीसा अभी भी बोल रहे हैं हम लोग सब बच दे रहे हैं। खेती के लिए पूरा हिस्टोरिकल योजना बन रहा है, कालिया योजना, जो कि 5,000 ले दे रहे हैं वो 400, लेकिन अभी भी फार्म यहाँ पे डेथ कर रहे हैं, सुसाइड कर रहे हैं। देखिए, एक्चुअल में एक जमाने में खेती की दृष्टि से जो प्रयत्न होना चाहिए वो हुआ नहीं, इसलिए उड़ीसा सहित देश भर में इस प्रकार की तकलीफें थी। अब प्रधानमंत्री जी ने नए सिरे से पिछले 8 वर्षों में किसानों की आमदनी बढ़े और कृषि उन्नत कृषि के रूप में तब्दील हो और कृषि उत्पाद की गुणवत्ता अच्छी हो, छोटे किसान लाभ प्राप्त कर सकें, छोटे किसान FPO से छोड़कर टेक्नोलॉजी को प्राप्त कर सकें, सरकार की योजनाओं के माध्यम से वो अच्छी खेती की ओर अग्रसर हों, इस दिशा में उत्साहपूर्ण ढंग से भारत के किसान आगे आ रहे हैं और इसी का परिणाम है कि विगत वर्षों में कोविड का कालखंड होते हुए भी कृषि उत्पादों का जो निर्यात है वो 4 लाख करोड़ का हुआ है, जो अब तक सबसे अधिक है।